नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल पे नए प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जिसका नाम है सुमित राठी चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास नंबर दो ठीक है क्लास नंबर दो ही हम आज करेंगे ठीक है लेकिन क्लास नंबर दो से पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो क्लास नंबर दो से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको समझाना चाहूंगा कि हमने क्लास नंबर एक में आपके साथ में क्या डिस्कस किया था ठीक है वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स वी आर डिस्कस इन द क्लास नंबर वन तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार एक बार जल्दी से ठीक है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ जैसे जो आपको समस्या आ रही है कि सर वेट करना पड़ा यार अभी नौ दस के ऊपर मेरी क्लास अभी खत्म हुई है इसे जस्ट पहले हम एन कर रहे थे जोग्राफी का है ना अब वो टॉपिक चल रहा था बीच में छोड़ नहीं सकते थे बट उसका समाधान मैं करूँगा कल अपना एक नया टाइम टेबल मैं बना रहा हूँ ठीक है नए टाइम टेबल के अनुसार क्या होगा क्लासेस के बीच में कम से कम दो घंटे का हम अंतर रखेंगे है ना तो ये जो क्लास है हमारी जो एनसीआरटी वाली जो क्लास है उसको हम छः बजे करेंगे और ये वाली जो क्लास है क्योंकि ये नौ बजे बहुत लेट हो रही है इसको हम आठ बजे करेंगे तो कल थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज होने वाला है क्योंकि बैक टू बैक क्लास करना मेरे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए भी मुश्किल होगा कि लगातार ढाई घंटे बैठ के आप क्लास देखो है ना वो दोनों के लिए मुश्किल है और बीच में पांच सात मिनट का वो फिर गैप लगेगा आपको लगेगा क्लास लेट हो रही है तो मैं वो नहीं चाहता कि ऐसा हो ठीक है सो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आप शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को तो थोड़ा सा कल की क्लास पर देखते हैं कल की क्लास में हमने थोड़ी सी ओरिएंटेशन बनाई है आपकी ओरिएंटेशन में

लेकिन हम दोस्तों इस तरीके से पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा चेंज हम कर रहे हैं इस बार और इससे क्या होगा आपको लगेगा वास्तविकता में कि हां चीज हुई है कल मैंने आपको एक बात बताई थी मैंने कहा था सभी के पास में यार ये वाली किताब होनी चाहिए ठीक है एम लक्ष्मीकांत जी की किताब एडिशन कोई भी हो ठीक है ये वाला जो दिख रहा है ना आपको ये ये जो ये एडिशन या ये जो हमनेल पे दिख रहा है आपको ये नया एडिशन है न्यू एडिशन है लेटेस्ट एडिशन है बट यहाँ पर जो मेरे पास है पुराना है अब नए पुराने का कोई चक्कर नहीं है हिंदी वाले हिंदी में ले लो इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले लो पिछली बार बात हुई थी गवर्नमेंट तीन भागों में बटी होती है तीन भाग कौन कौन से गवर्नमेंट के पहला भाग होता है सर लेजिस्लेचर दूसरा होता है सर एग्जीक्यूटिव तीसरा होता है सर जुडिशियर लेजिस्लेचर विधानमंडल कार्यकारिणी और न्यायपालिका लेजिस्लेचर सबके काम बटे होते हैं इसका काम होता है टू फॉर्मुलेट द लॉ कानून बनाना इसका काम होता है टू इंप्लीमेंट दम उसको लागू करना और तीसरे का काम होता है दोस्तों न्याय उसका संतुलन बनाए रखना चेक एंड बैलेंस So, ये तीन काम होते हैं दोस्तों गवर्नमेंट की अगर हम बात करें सो दीज आर द थ्री डिफरेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के तीन अलग अलग फंक्शन है अब मैंने कहा था दोस्तों कि हर एक फंक्शन जो है लेजिस्लेचर हो चाहे चाहे एग्जीक्यूटिव हो दोस्तों वो दो भागों में बटा होता है बिकॉज वी अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम हमने संघीय प्रणाली ली है कहां से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी वजह से इस भारत में सरकार दो लेवल पर है एक तो यूनियन लेवल पर ठीक है संघ की सरकार होती है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना और दूसरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट लेवल पर होती है जिसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों राज्य सरकार तो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है ना दोस्तों इट्स बेसिकली रन द कंट्री एट द यूनियन लेवल है ना और ये राज्य लेवल अब इसी के रूप क्योंकि हमने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है इसी वजह से दोस्तों हमारा हर भाग सरकार का दो दो भागों में बढ़ जाता है जैसे लेजिस्लेचर जो था मैं यहां पर बताना चाहूंगा जैसे हमारा लेजिस्लेचर था ये दो भागों में बढ़ जाएगा एक लेजिस्लेचर फॉर द स्टेट और दूसरा फॉर द यूनियन ऐसे इधर भी दो होगा एग्जीक्यूटिव वन फॉर द यूनियन ठीक है एंड अदर फॉर द स्टेट और जुडिशियरी भी होना ऐसे ही चाहिए लेकिन जुडिशियरी ऐसा नहीं होता जुडिशियरी हमारा कैसा होता है दोस्तों इंटीग्रल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी होता है अब लेजिस्लेचर में मैंने बताया था यूनियन का कानून जो है केंद्र का पूरे भारत का कानून कौन बनाता है दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद जिसमें राज्यसभा होती है लोकसभा होती है ठीक है जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं ये मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं संसद जिसको हम कहते हैं इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट भी होती है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट में कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है ये भी हमने बताया था हमारा काम यहाँ से शुरू होना है आज हमने कहा था एग्जीक्यूटिव भी दो भागों में बटा होता है एक तो यूनियन एग्जीक्यूटिव दूसरा है स्टेट एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो इसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सब होते हैं और इसी प्रकार जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को इंप्लीमेंट करना सिमिलरली जो राज्य सरकार के जो राज्य विधानमंडल है उसके द्वारा ये जो बन, लोग हैं ये उसके कानून को लागू करते हैं किसके जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनते हैं आज के जो टॉपिक है उसमें मैं तीन चीजों को एक साथ करने वाला हूं ठीक है वी विल डू प्रेजिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर भाई साहब ये तीन चीजें हम एक साथ करने वाले हैं ठीक है एक बार में खत्म करने वाले हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और क्या है दोस्तों आपका गवर्नर जिसको हम क्या कहते हैं राज्यपाल ये सारी चीजें एक एक क्लास में खत्म ठीक है ये अपने आप में तीन बड़े चैप्टर हैं हम एक में निपटाएंगे इसको और निपटाने का तरीका अलग होगा है ना इसमें एक फॉर्मूला लगेगा फार्मूला क्या लगेगा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं ठीक है दूसरा हमने जुडिशरी का बताया इंटीग्रेटेड होता है यहां तक हमारी बात हो चुकी थी आज दोस्तों हमारी क्लास नंबर सेकंड है जिसमें मैं बात कर रहा हूं ठीक है आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है जिसपे मैं बात कर रहा हूं आपको क्लास नंबर दो में सबसे पहले मैं बता दू अपने फॉर्मूले के बारे में क्लास करने से पहले मैं बताना चाहता हूं आज का फॉर्मूला ठीक है एक बात ध्यान रखना आपको कुछ चीजें ना कुछ चीजों से रिप्लेस करनी है सिंपल दिमाग में क्या रखना है जब मैं केंद्र की चीजें पढ़ूंगा तो वहां पे नाम होगा यूनियन ठीक है यूनियन को हम संघ भी कहते हैं हिंदी में और इसको हम केंद्र भी कहते हैं जब राज्य की चीजें पढ़ेंगे ना दोस्तों तो वहां पर लिखा होगा स्टेट स्टेट को क्या कहा जाएगा राज्य रिप्लेस करना है ऐसा ठीक है अब यहीं पर मेरा फॉर्मूला बन रहा है ध्यान देना दोस्तों प्रेजिडेंट जहां लिखा हो राष्ट्रपति जहां लिखा हो बस उस चीज को आप स्टेट में जब मैं स्टेट पढ़ाऊंगा उसको आपको किससे रिप्लेस कर देना है दोस्तों गवर्नर राज्यपाल आप देखना मेरी बात जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई पार्लियामेंट जो होती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं ध्यान से समझना सर एक तो होती है राज्यसभा एक होती है लोकसभा और एक कौन होता है राष्ट्रपति है ना ऐसे ही स्टेट के अंदर क्या होगा स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या करना है आपको ठीक है यू हैव टू रिप्लेस ये जो राज्यसभा है इस राज्यसभा को किससे रिप्लेस कर देना आपको दोस्तों इसको हम कर देंगे आपका राज्यसभा को विधान परिषद विधान परिषद ठीक है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसे यहां पर लोकसभा आएगा भाई इस लोकसभा को आपको यहां पे किससे रिप्लेस करना है दोस्तों यहां पर इसको रिप्लेस करना है विधानसभा से विधानसभा इसको हम प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में लिखें तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ये फॉर्मूला है मेरा ध्यान देना अभी बाद में फिर ये मत कहना अब देखो राज्यसभा की जगह मुझे क्या लिख देना है यहां पर ठीक है विधान परिषद विधानसभा और यहां पर जो राष्ट्रपति है ठीक है प्रेसिडेंट जो उसकी जगह गवर्नर ठीक है सर यहां पर अगर मान लो लिखा है प्राइम मिनिस्टर तो यहां पर बस उसको रिप्लेस कर देना है किससे दोस्तों आपको चीफ मिनिस्टर से आप देखना देखो इसका कमाल देखना जैसे मान के चलो मैं एग्जाम्पल देता हूं मैं पढ़ाऊंगा आपको यूपीएससी है ना यू में क्या होगा दोस्तों यू स्टैंड फॉर यूनियन यूनियन केंद्र की बात है आपको इसको रिप्लेस करना है किससे स्टेट से एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो हम चैप्टर पढ़ेंगे यूपीएससी स्टेट पीसीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसी बेसिस पे खत्म हो जाएगा थोड़ी बहुत मेरे साथ साथ याद हो जाएंगे so, फॉर्मूला है दोस्तों और इस फॉर्मूला को अपने को क्या करना है दोस्तों याद रखना है ठीक है ये फॉर्मूला है यूनियन वाली चीजों को यू जस्ट द स्टेट ठीक है आपको यूनियन वाली चीजों को किस तरह